बिहार के किसानों के हालात किसी से भी छिपे नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में जब सत्ता नहीं थी तो वो किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन वही सत्ता की बागडोर हाथों में आते ही नीतीश जी अब किसानों का जिक्र करने से भी कतराते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 16 साल पहले मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की मांग बढ़ती जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री से बिहार में मंडी कानून को वापस लाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर टिकैत ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में किसानों के पास खेती करने के लिए बीज तक के पैसे नहीं। यहाँ के किसान दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। पैसों की कमी के चलते किसान परिवार से आने वाले छात्रों की शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। टिकैत ने अपने पत्र में आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि बिहार में दोबारा से मंडी व्यवस्था को शुरू की जाए। इसके अलावा किसान को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी दी जाए। अगर ये काम नहीं होता है तो वो बिहार में भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कुछ समय पहले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार में मंडी व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट में जल्द ही मंडी व्यवस्था को लाने के लिए प्रस्ताव की घोषणा की। सुधाकर सिंह के बाद अब राकेश टिकैत ने भी बिहार में मंडी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की मांग की है। इस वजह से बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गया है।